नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए आज एक नया सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है इतिहास। तो दोस्तों देखिए इतिहास की एक वीडियो है ये, अब बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको क्रम बाई क्रम बनाकर वीडियो देता रहूंगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आए तो मत करना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बात करते हैं इतिहास की। भाई सबसे पहले भाई ये हमारा जो सब्जेक्ट है इतिहास है, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि ये क्या है भाई, ठीक है। यानी क्योंकि इतिहास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास क्या है भाई। तो इतिहास क्या है भाई, जो प्राचीन बातें हैं उन्हें बताता जो है, जो विषय प्राचीन या ऐसा कह सकते हैं घटी हुई घटनाओं की जानकारी प्रदान करने वाला जो सब्जेक्ट है, जो प्राचीन में मतलब जो घटनाएं घट गई थी उन्हें उनकी जानकारी प्रदान करने वाला जो सब्जेक्ट है उसी का नाम क्या है, इतिहास। अगर इतिहास की बात करें शाब्दिक दृष्टि से तो इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित ही हुआ था। यानी इतिहास का क्या मतलब है, इतिहास का मतलब है ऐसा निश्चित ही हुआ था। यानी कहने का मतलब ये है इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, यानी जो होता है उसी को इतिहास दोहराता है, उसी का इतिहास लिखा जाता है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आज का भूगोल है तो आने वाले समय का वो इतिहास बन जाएगा। यानी जो घटना आज घटित हो रही है हो सकता है कि आने वाले समय में वह भी इतिहास बन जाए। तो इतिहास से मतलब क्या है कि ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हों उनका अध्ययन कराने वाला जो सब्जेक्ट है उसे क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई प्राचीन काल से लेते हैं। देखिए ये हमारा काल आता है भाई जिसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो इस काल में क्या होता है दोस्तों, ये है काल वह काल कहलाता है भाई, प्रागैतिहासिक काल जो है इस काल को कहा जाता है जिसकी कोई लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है। यानी कहने का मतलब लिखित सामग्री नहीं मिलती, उस काल को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल किया कहा जाता है। क्योंकि यहाँ जो मानव था भाई वो इतना विकसित नहीं हुआ था जो लिखने का पढ़ने का मतलब कार्य कर सके, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि मानव सभ्यता का जो विकास है बड़ा ही कमजोर था उस समय, तो इसलिए वो मतलब पढ़ना भी नहीं जानता था, लिखना भी नहीं जानता था। तो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसी का एक काल आता है भाई हमारा जो पाषाण काल। तो पाषाण काल भाई क्या है ये पाषाण काल, जैसे जैसे कभी कभी आपने समझा होगा कि पाषाण जो कभी कभी पत्थरों को भी बोलते हैं, तो पाषाण मानी पत्थर और काल मानी समय, यानी पत्थरों का जो समय था उसे क्या बोलेंगे, या पत्थर का यूज करने वाला जो समय था उसे क्या बोलेंगे भाई, पाषाण काल बोलेंगे भाई। पाषाण काल क्या हो गया, यानी यहां मानव जो है पत्थर के मुख्य रूप से औजारों का प्रयोग करता था, पूरी तरह से विकसित नहीं था, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक काल का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ये बात अगर हम बात करें तो वही काफी साल पुरानी है, यानी कह सकते हैं 25,000 साल से लेकर ये और 7,000 साल 6,000 साल ईसा पूर्व तक की घटनाएं ये तीनों काल के अंतर्गत आ जाती हैं हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए पाषाण काल आप भली बात ही समझ गए, पाषाण काल है क्या, पाषाण काल का मतलब है पत्थरों का काल, लिख देते हैं पत्थरों का काल, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ जो औजारों का प्रयोग होता था, काम जो भी चीज बनती थी, मतलब चाहे वो आभूषण वगैरह हो चाहे हथियार वगैरह हो, सब पत्थर के बनते थे, ठीक है। ज्यादातर मतलब पत्थरों का यूज किया जाता था, पत्थरों के घरों में लोग मतलब सिलाई रख के रहते थे, इस तरह से यहाँ सिस्टम था। अब देखिये भाई पाषाण काल जो, इसे तीन मुख्य पार्टों में बांटा गया है, तीन पार्ट है इसके, तीनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। देखिए पहला जो होता है भाई हमारा ये है पूरा पाषाण काल, पूरा मान्य पहला पाषाण काल, पहला जो पाषाण काल है उसी का नाम क्या है, पूरा पाषाण काल है भाई। पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया भाई, ठीक है, लिख देता हूँ तीन भागों में बांटा गया इसे, लेकिन ज्यादा इसे पूछता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि पूरा पाषाण काल जो तीन भागों में विभाजित है। और इसमें देखो पत्थरों का प्रयोग सबसे पहले होना शुरू हुआ भाई, और जो है जो गतिविधियां हैं भाई उनका उनकी जो शुरुआत हुई, यानी जो कार्य करने की गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत यही पूरा पाषाण काल में हुई, ठीक है। और इसमें जो है शिकार करता था भाई मानव, लेकिन करता किससे था, पत्थरों के औजारों से, और उसका वो उसके अंदर एक आदत विकसित हो गई थी जिसे कह सकते हैं वो खाद्य संग्रह, यानी कहने का मतलब उसे भूख का एहसास तो होने ही लगा था पहले ही, लेकिन वो जो है संग्रह भी करना लग गया था, कहने का मतलब जमा करने लग गया था धन वगैरह,
ठीक है, हड्डियों का प्रयोग भाई इसमें होने लगा था। हड्डियों का प्रयोग से मतलब यह है हड्डियों की वस्तुओं का भी प्रयोग इसमें होने लगा था, हड्डियों से बनने वाले वस्तुओं का प्रयोग इसमें होने लगा था, किसमें? पुरापाषाण काल में। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में क्या भाई, हड्डियों का तो प्रयोग हो रहा था, हड्डियों का प्रयोग हो रहा था और हड्डियों के साथ लकड़ी का भी प्रयोग होने लगा भाई। ठीक है, और स्थायी जीवन जो है शुरू हो गया यहाँ। कहने का मतलब पहले जो मानव एक जगह स्थिर नहीं रहता था, चलता फिरता रहता था, तो यहाँ क्या हुआ भाई, मध्य पाषाण काल में जो स्थायी जीवन शुरू हो गया। कहने का मतलब ये वो एक जगह रहने लगा, मातृ देवी की उपासना करने लगा, यानी कहने का मतलब उसकी जो है धार्मिक प्रवृत्ति जागृत हुई। कहने का मतलब यह है वो धर्म के प्रति उसका रुझान बढ़ा। ठीक है, और यहाँ जो है मानव भाई शरीरों को दफनाना जान गया था, यानी जिस प्रकार आज आप देखते हैं कि मुस्लिम लोग दफनाते हैं और हिंदू लोग जलाते हैं, तो इसी प्रकार क्या होता था पहले, ये जो दफनाना यहाँ जान गए थे। और सबके साथ जैसे आज वर्तमान की बात करें तो कुछ वस्तुओं को रखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके खाने पीने की वस्तुएं जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होती हैं रखी जाती हैं, तो उस समय भी उसके साथ वही वस्तुएं रखी जाती थी। ठीक है, और पुनर्जन्म की जो है पहचान और विश्वास करने लगे थे इस काल में लोग, यानी किस काल में? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पहला क्या हुआ, हड्डी के साथ लकड़ी का प्रयोग होने लगा, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई और मातृ देवी और धर्म के प्रति रुदान बढ़ा, यानी वो पूजा करने लगे और उन्होंने जो है दफनाने की प्रथा शुरू कर दी और सबके साथ वे उन वस्तुओं को भी रखते थे जो उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और पुनर्जन्म की जो है वो कल्पना भी करने लगे कि वास्तव में जो दूसरा जन्म भी होता है। तो ये क्या हो गया भाई, ये मध्य पाषाण काल की क्वालिटी हो गई। अब देखिए बात करते हैं भाई, देखिए अगर आग की खोज की बात करा जाए तो आग की खोज इन दोनों कालों में ही लगभग हुई है, देखो इसमें या इन दोनों में, क्योंकि जब मनुष्य भाई आपस में क्या करता था, पत्थरों को रगड़ता था, तो पत्थर रगड़ने से एक बार जंगल में जैसे फेंके मारते थे तो क्या आपस में होता था, लेकिन अचानक एक बार हुआ क्या, एक बार खूब तेज आंधी आई और आपस में पेड़ रगड़े, पेड़ जैसे गिरे तो आपस में रगड़े, उससे आग उत्पन्न हुई और वन में आग लग गई। और जैसे ही आग लगी तो जो जान मतलब जो ये आदि मानव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही मांस खाया तो बहुत अच्छा लगा उन, तो तभी से जो आग की खोज हुई कि हम जो सामान को भून के खाए, यानी कहने का मतलब यहाँ सामान भून के भी खाने लगे और आग की खोज अचानक ही इन दोनों पार्टों में हुई। यानी कहने का मतलब मैं मानता हूँ पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी, क्योंकि आग जो है अचानक लगी थी। तो अब बात करते हैं भाई हमारा जो नवपाषाण काल है, ठीक है, ये इसका तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल क्या है भाई, इसमें क्या है, खाद्य उत्पादन जो है करने लगा था व्यक्ति, कहने का मतलब जो है कृषि उत्पादन करने लगा था और पशुपालन जो है उसने नियमित कर दिया था भाई। नियमित का मतलब ये, पहला तो अपने साथ कुत्ता वगैरह इसने रख लिया, कुत्ता पशु इस तरह से रख लिया अपने के यूज के लिए, शिकार खेलने के लिए, लेकिन यहाँ क्या किया उसने, नियमित रूप से पशुपालन शुरू कर दिया। ठीक है, रहने लगा मतलब एक जगह और स्थायी जीवन उसने शुरू कर दिया, कहने का मतलब एक जगह रुक के और जो जीवन की शुरुआत उसने कर दी। दूसरा, स्थायी कृषि कृषक बस्तियां भी उसने बनाई, यानी कहने का मतलब ये है एक जगह रुक कर उसने कृषि करना शुरू कर दिया। दूसरा, उसने जो सीमित व्यापार भी करना शुरू कर दिया था, सीमित व्यापार से मतलब जो है वो यानी छोटा व्यापार, छोटे स्तर का व्यापार उसने शुरू कर दिया था। तो दोस्तों मैं मानता हूँ ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है भाई पहिए की खोज है, यानी नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई थी, जो आज बहुत बड़ी क्रांति हमारे देश में या पूरे विश्व में जो है प्रचलित है वो इसी काल की देन है। ठीक है, तो नवपाषाण काल में जो है पहिए की खोज हुई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये मैं मानता हूं दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद लेते हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिसकी कोई लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यानी लिखित सामग्री न हो, लिख देते हैं लिखित सामग्री नहीं है। ठीक है, जिसकी लिखित सामग्री नहीं है वो हो पाषाण काल भाई, पत्थरों का काल हो गया, ये तीन पार्टों में हो गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ठीक है, और पुरापाषाण काल में पत्थरों का उपयोग करने लगा मानव, उसकी आरंभिक गतिविधियां मतलब शुरुआत हो गई, शिकार करने लगा, खाद संग्रह करने लगा और हड्डियों का प्रयोग वो करने लगा। इसमें क्या, हड्डी का के साथ साथ लकड़ी का प्रयोग करने लगा, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई, मातृ देवी की पूजा करने लगा वो, धर्म के प्रति उसका रुझान बढ़ा और दफनाने की प्रथा उसने शुरू कर दी और सबके साथ वे वस्तुएं भी रखता था जो आज रखे जाती हैं। ठीक है, और पुनर्जन्म की जो इसमें कल्पना
की जाने लगी। अब बात करते हैं भाई नपाषाण काल की, तो इसमें खाद्य उत्पादन तो करने लगा था, पशुपालन भी करने लगा वो, लेकिन नियमित रूप से करने लगा, और स्थायी जीवन की उसने शुरुआत कर दी, और स्थायी कृषक बस्तियां भी उसने बनाई, सीमित व्यापार करने लगा छोटे स्तर का, लेकिन कुल मिलाकर इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो पहिए की खोज थी। तो इस काल में पहिए की भी खोज हो चुकी थी। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये चलते हैं, ये तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं भाई हम सिंधु सभ्यता, सिंधु या हड़प्पा भी कहते हैं इसे, सभ्यता। अब देखिए भाई सिंधु सभ्यता क्या है, आज से लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व की बात है कि हमारे देश के पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट बराबर में पंजाब प्रांत में एक जगह थी जिसका नाम सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये, यहाँ जो पूरा का पूरा नगर है भाई, और नगर भी ऐसा नहीं, उस समय की बात देखिए कि वहां की तकनीकी स्तर कितना उच्च था। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार आज के शहर बनाए जाते हैं उसी प्रकार ये भी शहर बना हुआ था, लेकिन आज पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब कभी कभी इसकी खोज की बात कर ले, देखिए पहले बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, हड़प्पा सभ्यता, तो भाई वो पूछ लेता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो ये हुई रावी नदी के, रावी। और इसका एक नगर था जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, क्या था, मोहनजोदड़ो। तो ये जो कहाँ विकसित हुआ भाई, ये सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, ये सिंधु के किनारे हुआ, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए एक बात और बता दूं आपको, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बहुत पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखें दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। अब इस सभ्यता की भाई पता कैसे चली, खोज कैसे हुई, ठीक है, तो इस सभ्यता की खोज का जो सिरे है भाई जोहन बंटन को जाता है, किसे, जोहन बंटन। जोहन बंटन कौन थे भाई, ये एक इंजीनियर थे, कौन थे, एक इंजीनियर थे जोहन बंटन। ने 1857 में क्या किया, कराची, 1857 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच इन्होंने क्या कहा, क्या किया भाई, ये रेल लाइन बिछा रहे थे कराची और लाहौर के बीच। तो क्या हुआ भाई, जैसे रेल लाइन बिछ रही थी तो अचानक इन्होंने जैसे मतलब खुदाई कराई, तो वहां ये पूरा का पूरा जो नगर था, जो सिंधु सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, और मोहनजोदड़ो की जो मतलब जो बस्तियां वगैरह थी, तो ये सब निकल आई यहाँ। तो उन्होंने और देखा और खुदाई करी, तो कहने का मतलब पूरा का पूरा नगर निकल आया। अब देखिए यहाँ की व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था की बात अगर की जाए तो यहाँ की जो व्यवस्था थी बिल्कुल आज के जो शहरी जीवन है बिल्कुल उसकी तरह थी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बने हुए थे मकान वगैरह, मकान और नालिये वालिये बनी हुई थी, नालियां मकान, है ना, और जो सड़कें थी, सड़कें बिल्कुल आज की तरह थी भाई। और उसमें जो है मतलब पानी निकलने के लिए छोटी छोटी नालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसी प्रकार सड़कें जिस प्रकार आज जुड़ी हुई है तो इसी तरह से मतलब वहां जुड़ी हुई थी, ठीक है। और यहाँ कभी कभी पूछ लेता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, तो ध्यान रखें विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में ही पाया गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है वहां जो राजा था या जो भी वहां के बड़े लोग थे उसमें नहाते थे, ठीक है। और एक कांस्य की मूर्ति प्रदान हुई है भाई, कांस्य की, वहां से कांस्य, कांस्य धातु की मूर्ति हुई है, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है कांस्य की मूर्ति, पूछता ऑप्शन में। और देखिए बात करते हैं लोथल भाई, लोथल एक बंदरगाह का नाम है, ये कहाँ था मुख्य रूप से भाई, गुजरात में था, ठीक है, ये गुजरात का बंदरगाह था फेमस उस समय का, और लोग जो क्या करते थे भाई यहाँ से सामान का आदान प्रदान करते थे, यानी लाने और ले जाने का समुद्री मार्ग मार्ग से, ठीक है। तो लोथल क्या था, ये गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह था उस जमाने में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कृषि की, तो यहाँ जो लोग कृषि तो करते थे लेकिन कृषि में भी सबसे पहले अगर उत्पादन की बात की जाए तो यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन शुरू किया भाई, कपास उत्पादन जो इन्होंने सबसे पहले शुरू किया, कपास उत्पादन, ठीक है। कहाँ के लोगों ने, सिंधुवासी जो थे यानी हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कपास उत्पादन जो प्रयोग किया, कहने
देखिए, और एक बात और बता दूं कि ये सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, यानी बहुत पुरानी है ये। तो कपास उत्पादन इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया भाई। अब बात करते हैं, देखिए ये जैसा कांस्य की बात आई तो कांस्य के बारे में तो ये जानते थे, लेकिन ये लोग जो है लोहा धातु के बारे में अनभिज्ञ थे, लोहा के बारे में नहीं जानते भाई, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ये नहीं जानते थे लोहे के, लोहे से ये अनभिज्ञ थे, ठीक है। और ये जो है जैसे मान लो इन्होंने सबसे पहले कौन सा पशु बनाया भाई अपना, तो इन्होंने कुत्ता सबसे पहले प्रयोग किया भाई। ये शिकार जैसे करते थे तो अपने साथ कुत्ता ले जाते थे, तो कुत्ते का प्रयोग इन्होंने करना शुरू किया। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कभी कभी इसकी कि ये भाई नष्ट कैसे हो गई, मतलब इतना इतना बड़ा शहर था, इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतना अच्छा रहन सहन था, आज की व्यवस्था, आज के इंजीनियर फेल है देखा जाए तो, मतलब उस समय भी लोगों का माइंड देखिए कितना विकसित था, 5000 वर्ष ईसा पूर्व है ना, ये तो कितना माइंड उस समय विकसित था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, नष्ट कैसे हो गई भाई। बात की जाए कि वो नष्ट कैसे हो गई, जो इतना अच्छा विकसित था आज की तरह, लेकिन नष्ट कैसे हुआ, तो देखिए इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, यानी इतिहासकार बताते हैं कि अभी तक इसका कोई पूरी तरह से मतलब सबूत जो सटीक रूप से बता सके वो है नहीं, लेकिन मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके जो नष्ट हुआ भाई, नष्ट होने का जो कारण था, नष्ट होने का कारण वो क्या बताते हैं, एक तो कोई अकाल बताता है कि अचानक अकाल पड़ा, दूसरे कोई बताते हैं भाई बाढ़ आई, या कोई बताते हैं ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा घटी भाई, जो मतलब इस नगर को जो है तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुछ विदेशी लोग आए और उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर हम निष्कर्ष रूप से ये नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता जो नष्ट हुई, सिंधु सभ्यता का जो नगर दब गया वो किस कारण दब गया, आज तक ये पूरी तरह से हम सिद्ध नहीं कर पाए, इतिहासकार सिद्ध नहीं कर पाए कि मतलब क्या बात है, किस तरह से ये सभ्यता नष्ट हुई। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसे। देखिए सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करता है तो ये रावी नदी के तट पर विकसित हुई, और मोहनजोदड़ो की अगर बात करता है तो ये सिंधु सिंधु नदी के तट पर हुई, और मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करता है तो इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। दोस्तों ज्यादातर पूछा जाता है ये, और देखिए जोहन बंटन ने 1857 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो इस सभ्यता की खोज की, यानी उन्हें ही इस सभ्यता का खोजक कह सकते हैं या खोज करने वाला कह सकते हैं, ठीक है, उन्होंने इसका पता लगाया। वहां के बात करते हैं, वे व्यवस्था कैसी थी, मकान कैसे थे, नालियां कैसी थी और सड़कें कैसी थी। अगर बात करें आज के वर्तमान की, बिल्कुल वर्तमान की तरह ही वहां शहरी सभ्यता थी, कहने का मतलब यह है सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी जैसे आज जुड़ी हुई होती है, नालियां भी बड़ी नालियों से छोटी छोटी नालियां जुड़ी हुई थी, और जो मकान जो है पक्के बने हुए थे और व्यवस्थित रूप से बने हुए थे भाई, कि मतलब यहाँ ये खड़ा होगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ राजा का ये सब, मतलब ये सब अच्छी तरह से मतलब था। अब कांस्य की बात करते तो यहाँ जो कांस्य धातु की मतलब इन्हें पूरी तरह से ज्ञान था, और कांस्य धातु की एक मूर्ति पाई गई है जो मोहनजोदड़ो में, वह मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी पाया गया है जो नहाने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता था। कभी कभी पूछ लेता है कि नहाने के लिए विशेष स्नानागार कहाँ पाया गया, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। लोथल जो भाई उस समय का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था ये गुजरात में था, इससे क्या होता था सामान को जहाजों के द्वारा या जैसे भी नाव वगैरह थी उनकी उस समय की, उसके द्वारा जो सामान को आदान प्रदान किया जाता था, यानी भेजा जाता था दूसरे दूसरी जगहों को बेचने के लिए और मंगाया जाता था। इन्होंने इन लोगों ने भाई सबसे पहले जो कपास उत्पादन शुरू किया, कपास उत्पादन शुरू किया, और ये लोग जो है भाई पशु भी पालते थे, ये साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। तो कपास उत्पादन इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, और ये लोग जो है भाई लोहे के लोहे से जो अनभिज्ञ थे, कहने का मतलब यहाँ लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। अब बात करते हैं भाई सभ्यता का नष्ट कैसा हुई, कैसा मतलब खत्म हुई ये सभ्यता। तो नष्ट का मतलब ये यार, जो क्या कह सकते हैं इतिहासकार हैं वो पूरी तरह से सटीक जानकारी नहीं देते, अलग अलग मत है उन्हीं का। तो कोई तो कहता है कि अकाल स्थिति से मतलब वो नष्ट हो गई, कोई कहता है कि बाढ़ वगैरह आई, लेकिन कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं घटी जिससे मतलब सब तहस नहस हो गया, भूकंप इत्यादि है ना। लेकिन और कुछ ये भी कहते हैं कि कुछ विदेशी लोग आए जिन्होंने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई अभी तरह से पूरी सटीक जानकारी नहीं है जिससे हम कह सकें कि इस सभ्यता का नष्ट होना कैसे हुआ या कैसे नष्ट हुई है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारी, फिर इसके बाद का बिल्कुल जस्ट सिंधु सभ्यता के बाद का टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा और क्रमबद्ध आपको पढ़ाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।